सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसी बीमारी होती है जो केवल आदमी की त्वचा पर पाई जाती है, जैसे कि फोड़े, फुंसियां, खारिश जिसे कहते हैं, इनमें भी कई प्रकार की खारिश होती है। हम उस खारिश की बात कर रहे हैं जो कि सूक्ष्म कीटाणुओं के द्वारा होती है और शरीर के भीतर तक इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, परंतु जहाँ पर ये होती है उस जगह को इतना आक्रांत कर देती है कि वहाँ खुजलाते खुजलाते मनुष्य का दम भर जाता है। यह एक बार ठीक होने के बाद भी दोबारा हो जाया करती है। दवा लेने के बाद जब दोबारा होती है फिर दवा लेनी पड़ती है तो फिर हो जाती है। ऐसे ही एक दो मैं उदाहरण आपको दूंगा। पहला उदाहरण दूंगा एक लड़के का। वो लड़के के अंडकोश में ये समस्या हो गई। इलाज कराया जाता, इंजेक्शन लगवाया जाता, कोई भी ऑइंटमेंट लगाया जाता, दवा खिलाई जाती तो ये दो चार दिन में ठीक हो जाता और इसके बाद में एक महीने तक ठीक रहता, लगता कि सब खत्म हो गया है। पुनः वो फुंसियाँ होती हैं और फिर से वहाँ पर सूजन के साथ साथ लाल रंग का हो जाता और खुजली होने लगती। बहुत परेशानी थी, बहुत सारी परेशानी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ ठीक हो करके दोबारा क्यों हो रही है। उस समय एक सज्जन ने ये सलाह दी जो कि बहुत ही कारगर हुई और इस घटना को आज 25 साल से ज़्यादा हो चुका है, वह बीमारी उस बच्चे को दोबारा नहीं हुई, अब तो वो जवान हो चुका है। वह कौन सी दवा थी वो मैं बताता हूँ। गंधक आंवला सार बाजार से खरीद लें, गंधक आंवला सार लेकर के उसको पीस लें, काफी बारीक पीस जाएगा। इसके बाद उसमें उसको घी में सान लें, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, घी में सान लेते हैं और जैसे मैं इस कागज को दिखा रहा हूँ तो इस पर उसको लेप कर लें, पूरे कागज में इसको लेप कर लें आप। इसके बाद में जैसे बीड़ी बनती है ना, इस प्रकार से उसको मोड़ लेते हैं कागज को, मैं बताता जा रहा हूँ, इस प्रकार से कागज को मोड़ करके और जैसे ये कीप जैसी बन गई ना, फनल ऐसा बन गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें नीचे से आग छुआते हैं, नीचे से आग छुआते हैं और नीचे कटोरी या थाली, कटोरी बड़ा कर बड़ी कटोरी ले लेते हैं, कांसे की कटोरी हो अति उत्तम है, इसमें यहाँ आग लगा देते हैं और ये जलने लगता है। जब ये जलने लगता है तो इससे गंधक और घी का मिश्रण चू करके, बहुत सारा तो जल जाएगा, काफ़ी धुआं होगा, इस
धुएं को आंख में न लगने दे। जो मिश्रण काला काला सा हो करके चुएगा नीचे कटोरी में जा करके जम जाएगा, ये पूरा जला देना है। जब ये पूरा जल जाए तो कटोरी में बचा हुआ जो पदार्थ होगा ये आपकी औषधि है, और इस औषधि को आपको लेना है, उस संक्रमित स्थान पर इसको नित्य प्रति दिन में 2 बार लगाना है। और याद रखें कि जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को साबुन से धो करके, बल्कि हो सके तो उनको गर्म पानी में धोएं साबुन से, जिससे कि उनके कीटाणु मर जाएं। और आपको याद रखना पड़ेगा इस बात का कि उस समय थोड़ा सा बादी पदार्थों का सेवन ना करें, साथ ही साथ नित्य प्रति रोगी को स्नान कराएं। यह चीज केवल अंडकोश की ही बात नहीं कर रहा हूं, यह कहीं भी शरीर में हो, एक्जिमा टाइप का बन गया हो या इसी प्रकार का कोई रोग हो शरीर में, किसी भी जगह पर हो, वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे सुपरिणाम आपको प्राप्त होंगे। शीघ्र ही वो रोग ठीक हो जाएगा और दोबारा होने की स्थिति नहीं आएगी। इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग यह है, एक बच्चा था, जब मैं इलाज करता था एक महिला थी, तो उसकी शादी पास में हमारे रहती थी एक गांव में, और उसकी शादी हुई थी औरैया के किसी गांव में। वह यहाँ पर आई थी और मुझे इलाज के लिए बुलाया गया था, तो वो उसने कहा कि एक उपहास सा किया कि कैसे डॉक्टर हैं, अगर हमारी बेटी को ठीक कर दें तो मैं समझूं। तो मैंने कोई उनसे प्रतिवाद नहीं किया और ना ही मैंने उनको कहा कुछ कि मैं ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा देखता हूं मैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब उसके कूल्हे पर नितंब में उसी प्रकार का एक्जिमा था, ठीक नहीं हो रहा था। मैंने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा दिए, कुछ दवा दे दी और यही चीज अप्लाई करने के लिए कहा। बात आई हो गई, इसके 1 साल बाद उस महिला का दूसरा बच्चा बीमार पड़ा, उसको तेज निमोनिया हो गया था, वहाँ पर इलाज कराया वो ठीक नहीं हुआ, तो वो आई और मुझे बुलवाया गया। मैं गया तो उस महिला ने बताया मुझे कि आप ही मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं, और उसने वो पुरानी घटना बताई कि वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल तक में उसने उस बिटिया को दिखाया था, कोई लाभ न होने पर वो यहाँ आई थी, यहाँ से ठीक होकर के गई, दोबारा उसको रोग नहीं हुआ। और चूंकि उसने ये बताया कि डॉक्टर ने ये तक कहा था कि बेटी चाहे इसके पूरे उस नितंब को ही कटवा करके उन्हें फेंक दो, ये ठीक नहीं हो सकती, ऐसा उसने कह दिया था, तो ये जाकर के उस सरकारी डॉक्टर से लड़ गई, बोली एक छोटा सा लड़का है उसने ठीक कर दिया और आपने ठीक नहीं कर पाया। तो उस समय मेरी आयु
से 20 साल की रही होगी। तो उसने जब ये बात बताई तो मैंने कहा ठीक है। तो उन डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्शन मांगा जो मैंने लिख के दिया था, उसने नहीं दिखाया। अब ये उसका स्वभाव था, उसने लड़ा। मैं तो नहीं कहता हूँ कि कोई मेरे लिए किसी से लड़े। मैंने आपको वह उपाय बता दिया है जिसके द्वारा इस प्रकार की जिद्दी खारिज को भी, जिद्दी एग्जिमे को भी ठीक किया जा सकता है और आगे के जीवन में आप उस रोग से सर्वथा वंचित रहेंगे। आप इस लघु उपाय को करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।